पुलवामा हमले के बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की राम ग्रह यात्रा स्थगित हो गई है। गौरतलब है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने पुलवामा की घटना के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि राम ग्रह यात्रा और शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने यह फैसला योगी आदित्यनाथ से बात करने के बाद लिया है। ये घोषणा ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने काशी के श्री विद्यामठ से यात्रा के संयोजक स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के हवाले से जारी किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी स्वामी जी की बात हुई, जिसमें उन्होंने भी देश हित में निर्णय वापस लेने का अनुरोध किया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि शंकराचार्य आज प्रयाग जाने की तैयारी में थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने का हवाला देकर यात्रा स्थगित करने या स्वरूप में बदलाव करने की प्रार्थना की जा रही थी, पर वे तैयार नहीं हो रहे थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरि ने भी चिट्ठी लिखकर महाराज जी से फिलहाल कार्यक्रम टालने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टेलीफोन पर बात कर कार्यक्रम स्थगित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद शंकराचार्य ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में हमने जो फैसला लिया है वो देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया है। बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती काफी समय से बीमार चल रहे थे और बनारस के BHU अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के मुताबिक महाराज को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें BHU के सर सुंदरलाल अस्पताल के ICU में भर्ती करवाया गया था। उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ था, उसके बाद कल वो अपनी इच्छा से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के ICU से अपने मठ में आ गए। उनको मठ में आने की इच्छा थी कि हम मठ में जाएंगे, तो यहाँ आए और यहाँ से आज उनको रामाग्रह यात्रा के लिए प्रयाग प्रस्थान करना था, जहाँ से रामाग्रह यात्रा लेकर के वो अयोध्या जाने वाले थे और वहाँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी को सवेरे शिलान्यास करने वाले थे। तो इसीलिए संभवतः वो कल अपनी इच्छा से ICU से निकल करके आए। रात को भी हम लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हम कल जाएंगे, प्रयाग जाएंगे। और उनके स्वास्थ्य को देख करके सब लोग चिंतित थे, हमारे अनेक गुरु भाई लोग भी चिंतित थे कि कैसे होगा, गुरुजी कैसे जाएंगे, लेकिन गुरुजी दृढ़ थे कि हमको जाना ही है, हमको करना ही है। रात में 12 बजे के करीब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि राम काज क्षणभंग शरीरा, शरीर की चिंता मत करो, संकल्प के साथ रहो। सवेरे हमारे गुरु भाइयों ने मिल करके उनसे अनुरोध किया कि आप एक बार पुनर्विचार करें, और उसके बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि जी महाराज ने पत्र लिख करके और टेलीफोन करके अनुरोध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी फ़ोन किया, वाराणसी के जिलाधिकारी जी भी आए और सब लोग ये कह रहे थे कि इस समय जो देश में स्थिति है पुलवामा घटना के बाद, वो ऐसी है कि सारे देश का ध्यान एक तरफ एकत्र हो गया है। अगर इस समय दूसरा फ्रंट कोई खोला जाएगा आपके द्वारा, क्योंकि राम जन्मभूमि का मसला बड़ा मसला है और शंकराचार्य जी महाराज भी देश के सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य हैं, अगर वो इस मसले को लेकर के अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं तो स्वाभाविक है कि सबका ध्यान इधर भी जाएगा। तो जो मूल ध्यान है, जो प्रतिकार की इच्छा पूरे देश के अंदर उत्पन्न हुई है, उस पर कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी, तो इससे एकजुटता खंडित होगी। तो महाराज जी ने कहा कि हम तो सदा देश के साथ रहे हैं, ये बात है, तो हम कुछ दिन के लिए अपना ये अभियान स्थगित कर रहे हैं।